अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम जा रहे हैं दीवान सीमेंट इंडस्ट्री। तो यूनिवर्सिटी वाले के साथ जाए अपने जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं इन लोगों की काविश है, और हमारे डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है इन सब की काविश है कि दो ईयर्स की 2017 बैच और 18 बैच दोनों की मिल करके इन्होंने कम्बाइंड एक विज़िट का एहतमाम किया। तो वैसे मुझे कल ही पता चला कि वी आर गोइंग ऑन अ विज़िट, और तो फिर मैंने जल्दी से तैयारी पकड़ी और मैं निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रहम करम के साथ। तो चलते हैं फिर, सो लेट्स गो एंड सी हाउ द थिंग्स गोना वर्क, लेट्स गो। तो चलिए मिलते हैं अपने साथियों से जो इस विजिट के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। आपकी तारीफ? सुनील कुमार। बैच? 18। ठीक। और आपकी तारीफ? नाम सईद है, मैंने 18 केमिकल बैच। और नाम मुनीर अहमद, मैं 18 केमिकल। ओके, मिलते हैं अपने मजीद साथियों से। आपकी तारीफ? मैं सर मोहम्मद जुनैद खान एंड आई एम फ्रॉम केमिकल 17। उमेश कुमार राम, केमिकल 17। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे बहुत ही मायनास टीचर सर मीर मोहम्मद बोजार से, और उन जानते हैं उनकी फीलिंग के बारे में। जी हाँ, तो आज टूअर डे हिमाचल के लड़के आए हुए काफ़ी। जी बिल्कुल, जा रहे हैं जी। और इंस्ट्रक्शन तो यही है कि ओबीडियंट रहें, पंक्चुअल रहें। पंक्चुअल तो कर लेंगे, मैंने देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स कम है अभी आने में, लेकिन चले बहरहाल इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। जी बहरहाल ये इंशाल्लाह होप्स बहुत अच्छा टूअर हो जाएगा। जी बेस्ट ऑफ लक। तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि दो बैचेस का एक साथ टूर आपने? बहुत काफ़ी बार हुआ है। सही बार हुआ है। सही जी, बेहतरीन सर, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह टूर में, तो आप साथ ही रहेंगे, आप मजीद गाइड कर दें। थैंक यू। तो जी 0.3 मुख्तस की गई है 17 के हजरात के लिए, और 0.4 मुख्तस की गई है हमारे लिए 18 वालों के लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए, और वो थर्ड ईयर वालों के लिए। ये पॉइंट नंबर 4 3 3 पॉइंट नंबर। हमारा कुछ रेस्ट वगैरह के लिए, कब से बच्चे बैठे हुए थक गए होंगे। तो मिलाते हैं हमारे सीनियर तला भाई को, और तला भाई जो है बहुत ही अच्छे मुकर्रर हैं। हाँ, तो तला भाई आप बताइए आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस विज़िट के बारे में? अभी तो थकन महसूस हो रही है, बहरहाल सेवा नहीं है जी। फिर आगे जाके और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप विज़िट करते रहते हैं ऐसे? यार एडवाइस कुछ भी नहीं दूंगा, सारे जो है वो मेरे ही जो है वो हम उम्र हैं और कुछ मुझसे बड़े हैं जी। एडवाइस दूंगा नहीं, बस ये है कि एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रहे हमारे उदयर भाई, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, आपके चैनल के ही ये जो है वो आते रहते होंगे बहुत ज़्यादा, जो है वो आपने इनको देखते रहते हैं हर हफ्ते में, ये जो है वो बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। इनसे हम पूछते हैं कि गोल क्या है, गोल बताएं आपने क्या गोल सेट किया। सबसे पहले तो बड़ी इनायत इस्माइल भाई की, आपने मेरी इतनी ज़्यादा यानी तारीफ़ की और व्यूअर्स को मेरे बारे में बताया। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा जो मैंने चैनल बनाया है, ब्लॉगिंग का चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो है अपनी लाइफ इवेंट्स और सब चीज़ों के साथ साथ मैं स्टडीज़ को भी ऐड करूँगा, मैं साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऐड करूँगा, इसको भी प्रमोट करूँगा, और साथ साथ अपनी जो लाइफ के इवेंट्स हैं अप्स एंड डाउन सबसे आपको अपडेट करता रहूँगा, और ताकि जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं हर छोटी मोटी यानी उनके साथ जो लाइफ में इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह उनको मोटिवेट और उनको इंस्पायर करने की कोशिश करूँगा, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर से आपको मिलवाऊँगा कि यानी आप उस उनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, और यू विल फाइंड सो मच मोटिवेशन, सो मच इंस्पायरेशन, सो मच मैसेजेस आउट देयर। और वैसे भी हर वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ना कोई मैसेज हो चुका होता है कि कोई भी यानी कोई पिकनिक की वीडियो, कोई एडवेंचर की हो, कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो, इट्स ऑल अबाउट लाइक स्प्रेडिंग मैसेज लाइक स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपने हमारे दोस्त उदयर भाई के तासुरात, आपने व्यूज़ जाने कि इनकी क्या राय थी कि इनके फ्यूचर में
जो इन्होंने प्लान किया है, जो अपना चैनल बनाया है, उससे लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तो हमने ये जाना अभी जो है वो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उदयर उर्तिका का चैनल है, उनको उसको जाएं, आप लाइक करें उनकी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टायर की चेंजिंग हो रही है, अभी तक टायर का मसला हुआ ही नहीं। सर बिल्कुल वैसे खड़े हैं जैसे उन्होंने कैच छोड़ा था, वो खड़ा हुआ था बंदा। तो जी हम 8 बजे से निकले हुए हैं और 10:30 बजने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक दीवान सीमेंट इंडस्ट्री का कोई पता नहीं। और हम आ चुके हैं कराची से बहुत ही दूर को इलाके में, और इसका नाम हमें सही तरह पता नहीं चल रहा है। ये कोई गोट है, सीमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मार ली है। तीन घंटों के तवील सफर के बाद अब हम आखिरकार दीवान सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी रोटरी किलन आपको नजर आ रही हूँ, और आप यहाँ पे लेफ्ट पे देखें सारी मशीनरी, सारी किलन और सब कुछ नजर आ रहा होगा। ये अपने सफर के अंदर हमने चाहते थे हम पूरा एग्जॉस्ट हुए थे, यहाँ पर आए हम फ्रेश होने के लिए ताकि हम टूर तो आसानी से कर सकें। थोड़ा भी हल्का मतलब भी हो गए, फिर मिलते हैं आपसे टूर के बाद, फिर टूर में तो कैमरा चलेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले ये जगह देखिए, यहाँ पर रॉ मटेरियल की ब्लास्टिंग होती है, यानी जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है उसको इस सूटेबल बनाया जाता है कि वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सूटेबल हो सके। अब उस रॉ मटेरियल की यहाँ पे क्रशिंग होती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रशर मौजूद हैं। देखिए कार्बन मोनोक्साइड यहाँ से रिलीज करवाई जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। अब हम आ गए हैं रोटरी किलन की तरफ, जो जो किताबों में पढ़ा था अब सब कुछ आँखों के सामने है, अच्छी फीलिंग आ रही है। ये है बॉल जो कि जाने वाली है बॉल मिल के अंदर। अब हम पहुँचे हैं क्लिंकर के एरिया में, यहाँ पे सीमेंट 90% तैयार हो गई है। पार्कलैंड सीमेंट आपने देखी होगी, वो सबकी सब यहीं से आती है। खूबसूरत एसी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी। तो जी हम जा रहे हैं खाना खाने। आप जरा बताएं खाने के लिए आपको क्या फीलिंग आ रही है? चिकन मखनी, चिकन बटाई, सब कुछ जो जो अच्छा लगे वो ले। अभी और आप क्या? दाल माँस, दाल चना, दाल अंडा, सब कुछ है यहाँ पे। और हम लोगों के पेटों में चूहे बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं कि हम क्या बताएं, क्या कुछ हो रहा है यार, हमारे साथ ज्यादती हो। क्या ज्यादती है, वही बताओ ना। बिरयानी का कह के यहाँ पे बुलाया है। अच्छा यार, बच्चों को क्यों हमें बिरयानी का कह के यहाँ पे बुलाया? तो फिर और यहाँ पे क्या दे रहे हैं हमें? सब्जी, दाल माश, मूली है। नहीं भाई, बिरयानी है खाने में, कोई ज्यादती नहीं हुई। अब मैं से तमाम अफराद आ रहे हैं बाहर। और ये जी ये हमारे ड्राइवर हैं, वैसे तो ये हमारे सीनियर हैं, लेकिन ड्राइवर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ट्राइपॉड, मोबाइल का कमाल। और हमारे दोस्त पोज बना के बैठे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं जरा? जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा आपका टूर? बस
ठीक ही था। और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? सीखने को देखें बहुत कुछ मिला है आपको। बिल्कुल, जो मतलब आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं और उसके बरक्स अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। किताब में आपको अच्छी डायग्राम दिखाई जाती है, बड़ा। तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी पहले कभी इंटर्नशिप या कोई टूर वगैरह ऐसे किए? तो जी, जगह का तायुन किया जा रहा है कि कौन सी जगह ज्यादा बेहतर रहेगी ग्रुप फोटो के लिए। ट्रैपॉड मोबाइल का कमाल तो लेनी है ग्रुप फोटो। अब हो रही है वापसी, और वापसी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम, पर दुआ करेंगे जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। 4 बज गए हैं, आँखें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं शिद्दत से नींद की, और बस हालत बिल्कुल अफसरदा हो गई है। अफसरदा तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थकावट का शिकार हो गए। एग्जैक्टली, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ हो ना सर। Da 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 da.